वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा ने बुधवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ले ली है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। इस बीच वह उन्होंने भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके बाद इन अटकलों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद साध्वी प्रज्ञा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने भाजपा की सदस्यता ले ली है और मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। बता दें कि भोपाल में बुधवार को भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह, विनय सहस्रबुद्धे, प्रभात झा, सतीश उपाध्याय, ब्रिजेश लुनावत मौजूद रहे। बैठक में डैमेज कंट्रोल और पीएम मोदी अमित शाह की आगामी सभाओं की तैयारी पर चर्चा भी हुई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए जाने के बाद सुर्खियों में आई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहती है। हालांकि उस केस में बरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने तीखे बयानों से हमेशा कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। साध्वी प्रज्ञा को एबीवीपी और दुर्गा वाहिनी से जुड़ाव रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार तब चर्चा में आई जब वर्ष 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे 9 वर्षों तक जेल में रही। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हिंदू आतंकवाद का जुमला गढ़ा और इस नैरेटिव को सेट करने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसाया।